तो हमने मैंने बात की जी, अभी पेट चेक किया गया कैमरा डाल के ना मेरा। अच्छा ओके, नो यू हाँ बीइंग सीरियस नाउ, हाँ मुझे पता नहीं नहीं चल नहीं रहा इस पे क्या जोक बता। किया मैंने। अच्छा जोक किया गया। हाँ, इसमें सीरियस क्या लूँ मैं, अब वो भाई अच्छा बीमारी थी, उसको इसी तरह चेक किया जा सकता है। हाँ और वो कनाडा में मेरा पहला इलाज था, पहला एक्सपीरियंस था अस्पताल का वहाँ। पेट चेक किया गया हाँ ऊपर से कि नहीं नीचे से? अच्छा तो जोक किल ना करें। जोक डॉक्टर से मैंने पूछा भी कैमरा जी डालना है ना, तो यहीं से डाल देंगे डायरेक्ट, कहने का नहीं। हाँ मैंने कहा अच्छा मुंह से? कहा नहीं। यार नाक से तो मत डालेंगे। कहने का नहीं भाई। मैंने हाँ क्या कान से? तो खैर भाई दोगे तो वो अच्छा, हमारे यहाँ के अस्पताल के नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, हाँ वो हाँ इलाज वाले कपड़े भी डिफरेंट पहनाते हैं, वहाँ के डिफरेंट होते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो वो एक्सपीरियंस मैंने लोगों से शेयर किया, बहुत फनी था। अब इसके अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट हर्ट हो रही हाँ है, ठीक है, ना दूसरी शायद कोई डॉक्टर हर्ट हो जाए। डॉक्टर भी नहीं हर्ट हो रहे, डॉक्टरों को साथ भी मैंने चलाया। अच्छा डॉक्टर हर्ट नहीं होते नहीं बेचारे, वो होते इतने नहीं बिजी होते, हैं, हाँ उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नहीं। फिर एक था कि मैं जब PIA से आ रहा था, इस बार मैं कनाडा से PIA से आया क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल बहुत हो रही थी। रियली एक ही चीज़ थी जो टाइम पे आ रही थी, वो PIA थी। अब देखिए मैं आयरनी देख रही है सिचुएशन में, देख रही हूँ तो वो 13 घंटे में पहुंचा रही थी और लक्स अवार्ड्स में डायरेक्ट कहाँ, कराची, फ्रॉम फ्रॉम कनाडा, टोरंटो। वाओ। टोरंटो बोल दूँ वरना लोग कहेंगे ओहो टोरंटो टोरंटो, ठीक है लो टीन टी टीन ही छोड़ नहीं रहा। छोड़ूंगा मैं। तो कनाडा से आया तो वो एक एक्सपीरियंस है PIA के जहाज से वो आना। तो पूरा शो है। वन लाइनर देता हूँ, वो भी किया हाँ कि हाँ भाई नॉर्मल एयरलाइंस को तो पायलट वगैरह ला रहे होते हैं, PIA को पायलट, को पायलट, पैसेंजर, एयर होस्टेस, ये सब मिलके जहाज को ला रहे होते हैं। वो इतना घरेलू माहौल बना देते हैं, वहाँ सब काम कर रहे होते हैं, हाँ एवरीबडी इज इन्वॉल्व, पैसेंजर भी इन्वॉल्व होते हैं। वो अब मैं सो रहा था यूं करके, अब कॉलर वो लगा के, और मैं सो रहा था क्योंकि मैं वो एंटी एलर्जी खा के दवाई सो गया था, और मैं जहाँ से ठीक वैसे ही है बहुत सोता हूँ, तो मैं टैक्सी होते सो जाता हूँ, सो गया। तो बीच में किसी ने मुझे उठाया, सुने उठे, सुने उठे, एयर होस्टेस थी वो, ये ओवरहेड केबिन बंद नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझसे बंद कर दें। ओह माय गॉड। और सोते आदमी को मैं उठा, मैं मुझसे भी नहीं हुआ वो बंद तो अगर एयर होस्टेस से नहीं हो रहा तो हाँ भाई क्या हो गया? तो इससे बोला मैंने यार आप भी मेरी हेल्प करो, वो भी सो रहे थे, तो हम सब मिल के बंद कर रहे थे हम। और फिर ये प्रॉब्लम होती है हमारे हाँ जहाज में। फैमिली अफेयर टाइप लग रहा है मुझे बहुत। हाँ सबसे पहला मसला जहाज में क्या होता है, हम ना लेडीज की शिकायत आती है हमें जेंट्स के साथ नहीं जी बैठना, बिल्कुल ये पाकिस्तानी फ्लाइट में तो जी नॉर्मल है। और फिर एक जी अंकल खड़े होते हैं जिनका काम होता है, वो खलीफा बन जाते हैं, वो मैं कराऊंगा। सबकी रीअरेंजमेंट करते और हैं। फिर वो आपको उठाते हैं, आपको नहीं भी उठना ना हाँ तो आप कहेंगे नहीं सर मैं नहीं उठना चाह रहा, तो वो आपको इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट होंगे, आप यार बड़े बेगैरत आदमी हैं, आप लेडीज खड़ी हुई हैं हाँ और आपकी सीट पे अगर आपने विंडो सीट ले ली है PIA से आ रहे हैं, तो 100% ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई उस पर पहले से बैठा होगा आपकी सीट पे, आपकी सीट पे आपसे बोलेंगे सर ये मेरी सीट है। मरे क्यों जा रहे हो यार, एक ही जगह जा रही हैं दोनों सीटें, यूं करके आपको, हाँ साइड क्योंकि कर रहे हैं वो अब वो ऑफ कंफर्ट कोर्स। जोन में आ हाँ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस था, फिर एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस अलग था। कोविड रैपिड टेस्टिंग मैंने पूरा उसको कवर किया कि किस तरह से रैपिड टेस्टिंग हो रही है, और मैंने कभी देखी नहीं थी वो जो स्ट्रिप्स लेके जा रहे थे टेस्टिंग स्ट्रिप्स, वो मैंने कहीं और देखी कराची थी, एयरपोर्ट या लाहौर पे, पहले ओ मैं लाहौर लैंड किया। फिर लाहौर से 11 बजे कनेक्टिंग फ्लाइट थी कराची की सुबह के, वो रात के 8 बजे, ई और PIA के पायलट थे उसके अंदर, बहुत अच्छे कर्टियस से पायलट थे, मगर उनको परफॉर्मेंस का बहुत शौक था। अब यूजुअली भाई आप फ्लाइट लेट है तो आप जल्दी जल्दी निकालते हैं जहाज, मगर उन्होंने ही टुक हिज टाइम, उन्होंने अपना पूरा इंट्रो दिया कि मेरा नाम कैप्टन फारूक है, को पायलट ये, कैबिन क्रू अच्छा ये, देर के लिए माजत खा हूँ, और इस मौके में मुझे मुनीर नियाजी की वो नज़म याद आ रही है, ओ वाह। अच्छा ये उड़ा के नहीं ये ये बोल टैक्सी में सकते अभी थे? हाँ जहाज अभी वो हिला भी नहीं है, और उन्होंने पूरी मुनीर नियाजी की नज़म सुनाई कि हमेशा देर कर देता हूँ। अब मजाक कर रहे हैं आई ना, स्वेयर टू गॉड अगर कोई उस फ्लाइट में मेरे साथ था तो वो गवाही देने को लोग तैयार हैं। उन्होंने कमाल कहा है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, आप ही नज़म सुनाएं कोई बात नहीं, आपको परफॉर्मेंस देनी, आप जल्दी जल्दी सुनाएं, दो मिसरे सुना दें या उड़ा के सुना ले यार। या उड़ा के बीच में सुना दें, ये आइटम हाँ आया मैं सुनाना चाहता हूँ, वो उधर उधर ही सुना रहे हैं। और ये भी नहीं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ये करना हो वो कर, हमेशा देर कर देता हूँ फारूक भाई, तवज्जो, हमेशा 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 देर कर देता। अबे भाई वो शायर बन गए, इतनी लंबी सुनाई इन्होंने, फिर इंग्लिश में भी सुनानी होती है, लेकिन अच्छा मैं ना अब नहीं, ना दिल क्या थामे बैठा रहा, उन्होंने इंग्लिश में शुक्र तर्जुमा है, नहीं अल्लाह किया, का आई शुक्र है। एम ऑलवेज लेट, शुक्र है नहीं कि उन्होंने, हाँ लेकिन ही बट टुक हिज अदर टाइम। देन दैट हाउ वाज एक्सपीरियंस फ्लाइंग एक्सीलेंट, पीआई एक्सीलेंट, रियली? आई विल वाउच फॉर इट, क्योंकि 13 घंटे की है, हाँ कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है उसके अंदर, नहीं है इन फ्लाइट नहीं है, वी डोंट नीड इट।
Because entertainment is in the air. But बच्चे होंगे तो वो एक बच्चा नहीं रोया. इतने बच्चे थे आपको पता है पाकिस्तान जा रही थी PIA की फ्लाइट बच्चे ही ये तो फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी कि बच्चा नहीं रोया. उसका रीजन है जिसको जो करना था ना उसको इजाजत थी. वो कर रहा था वो लैंडिंग टाइम पे लोग खड़े बात कर रहे हैं हाँ झटके भी खा रहे हैं खड़े कोई नहीं यार. बच्चे जा रहे हैं सबको छेड़ते हुए सोते हुए लोग हाँ प्रिंस के हाल है यूं करके जा रहे हैं बस बच्चे जो करना है कर रहे हैं. हाँ. तो वो रो भी नहीं रहे. क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ हो रहा है. सब कुछ हो रहा है और लोग मुझे उन्होंने मैं उठा जब 13 घंटे की फ्लाइट थी मैं 10 घंटे सोता रहा 3 घंटे आखिर के मैं उठा. तो मैंने कहा थोड़ी सेलिब्रिटी वो तो लूना इनसे फायदे तो उठाऊं. तो मैं उठा मैं पीछे गया आपको पहचान ही नहीं रहा था तो मास्क उतारा मैंने फिर स्टूअर्ड पहचाना अरे सर आप अरे आप. मैंने कहा यार चाय बहुत खराब थी कुछ चाय का बैठ जाए. दूध पत्ती बनाई उन्होंने मेरे PIA के जाकर दूध पत्ती बिल्कुल जो चाय जैसी है. तो फिर एक होस्टेस आ गई आपने दूध पत्ती बनवाई है. मैंने कहा जी जी. अरे उनसे क्यों बनवा ली मैं बनाऊंगी. तो एक साथ दो दो दूध पत्तियां आई जबरदस्त. दोनों की मुझे तारीफ करनी पड़ी दोनों एक ही जैसी थी एक ही दूध था एक ही पत्ती थी. तो वो पी कॉन्वर्सेशंस फिर लोग आना शुरू हो गए पीछे. अब घरेलू माहौल बना हुआ था तो बात कर रहे थे. अच्छा सफर की दुआ भी तो PIA में पढ़ाई जाती है मगर वो एक ऐसी एयर होस्टेस के हाथ में वो काम दे देते हैं जिसको ये काम यार बहुत बिजी हो गया मैं साइलेंट कर ही दूं तो जिसको तलफ्फुज ठीक नहीं होता वो ये दुआ पढ़ने का काम हमेशा एयर होस्टेस को दे देते हैं जिसका तलफ्फुज ठीक नहीं होता. अब गलत दुआ पढ़ती है तो बीच में अंकल बैठे होते हैं काफ निकला ही नहीं इनके मुंह से काफ निकल ही नहीं रहा इनके मुंह से. आप देखिएगा जहाज को आप थोड़ी सी टर्बुलेंस हुई रहेगा देखा मैं कह रहा काफ नहीं निकला. सेलिब्रिटी की बात की आपने एंड लक्स एट अवार्ड्स पे यू वन ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड आल्सो एट पीसा. जो हमारे दूसरी तरह के स्टार्स हैं जो आर्टिस्ट हैं एक्टर्स हैं जो कि अपने आप को बहुत स्टार्स समझते हैं ए-लिस्टर्स ये आपने अच्छा नाम लिया ए-लिस्टर्स जो होते हैं कोई आप लोगों के और उनके बीच में कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन या ऐसा होता है कि समबडी इज लुकिंग डाउन ऑन द अदर कि यार ये अपने आप को बड़ा स्टार समझ रहा है और या अच्छा मैं हमने इसी माइंडसेट से आया था. हाँ. कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता था. हाँ. क्योंकि मैं एक नोटोरियस सा होस्ट हूं तंग करता हूं. मैंने भी ऐसा सुना है कि लोगों की ईगोज होती हैं बहुत होती है मैंने ही सुनाया होगा ये. नहीं होती है और मेरी ये था कि यार होता ये कि जब हम शूट करते हैं अपना शो TBH तो उसमें तो किसी को मैंने देखा नहीं कि मुझसे नाराज हुआ वो शो के बाद. अभी अपेरेंटली नहीं होते दिखते हैं तो होते नहीं है. ठीक है कि जाते हैं तो खुश खुश जाते हैं हाथ मिला के गले लग के यार बहुत अच्छा था बहुत मजा आया मतलब तो फेस वैल्यू पे ही लूंगा. जब वो एडिट आता है ना एडिट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. राइट. मैं भी बताना चाहता हूँ ये सबको ना गेस्ट लिस्ट पे मेरा कोई कंट्रोल है ना एडिट पे मेरा कोई कंट्रोल है. मैं आता हूँ सारा शो लाइंड अप होता है कि ये लोग आएंगे और शो की शूट खत्म होती है मैं चला जाता हूँ अगले दिन. अच्छा गेस्ट लिस्ट पे भी कोई कंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं है. तो गेस्ट कैसे चूज करते हैं कि ये आर्टिस्ट जो मतलब अवेलेबल कुछ तो होते हैं कि जो हमारे मार्क्ड होते हैं यार इनको तो प्लीज बुलाना है हमारे क्या उनके ही मार्क्ड होते हैं इनको बुलाना है. कुछ होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं शो का फॉर्मेट है तो अच्छा हर किसी की रोस्टिंग आप देखेंगे भी तो नहीं होती हर किसी की नहीं होती ऐसा जरूर होता है. और रोस्टिंग का मतलब ये है कि मैं आप उन्हीं की बजा रहा हूँ उनके जवाबों की सिर्फ काउंटर करता हूँ. कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ किसी होस्ट को लिखा हो कि यार आपकी नाक ऐसी कान ऐसे बाल ऐसे जो जवाब दे रहे हैं उसी में से सवाल निकालता हूँ. तो वो टेक्निकली वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो आप बिटवीन टू फंड्स वगैरह देखते हैं. तो उसके अंदर ये होने के बाद मुश्किल हो जाता है कि जब वो आते हैं. अच्छा मैं जब गया ये लक्स में तो मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं मुझे साइड लाइन किया हुआ हो यहाँ हूँ वहाँ हूँ और मुझे ये भी नहीं यकीन था कि सब मुझे जानते भी होंगे. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब मुझसे ऐसे मिले जैसे मैं ही सबसे बड़ा सेलिब्रिटी. Really? सबसे मुराद कौन? सबसे मुराद यार मैं अच्छा पीसा की एग्जांपल दूंगा. मैं सज्जाद अली के पास गया कि सर मैं छोटा सा शो होस्ट करता हूँ. कहला कि जानते हैं भाई हमारी बीवी आपके साथ बहुत बड़ी फैन है तस्वीर खिंचवाई है तस्वीर खिंचवाई. अली अजमत से मिला. अब मुझे क्या पता था वो जानते होंगे. ओ यार तू बड़ा ये है आ जा इधर. अब उनसे मिले इवन फिरोज से मिला मैं. अब लोगों को लगा होगा हमारी जंग है मगर हम बैठे रहे हम सुबह 5 बजे तक बात करते रहे. बातें वही होती रही जो शो पे थी जो शो पे तकरीबन 19-20 शेख साहब की बात हुई कि नहीं थोड़ी सी हुई लेकिन वो भी उन्होंने रोक दिया रोक दिया. लेकिन गिले शिकवे भी किए और मिटाई भी हमने.
जो लड़कियां आई मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता था कि जो खवातीन आती हैं वो शायद नाराजी होकर जाती होंगी, जबकि बात अच्छी करके जाती है वहां से, मगर एडिट वेडिट पे कभी कभी मुझे भी देखकर लगता है कि यार ये थोड़ा सा ऑफ हो गया, तो लेकिन मुझे अच्छी तरह मिलती है सबूत, क्योंकि परसेप्शन भी तो है ना कि आर्टिस्ट जो है उसकी बड़ी फ्रेजाइल ईगो होगी और थोड़ा सा वो भी होते हैं ना, बहुत कॉन्शियस होते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं और होते भी हैं, होते भी हैं, तो वो यही है कि जरा सी बिकॉज हम जो बातें सुनते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं अवार्ड शोज के लिए वो लोग बाद में एडिट में कटवाते हैं कि हमारे बारे में ये चीज बोलिए काटो, हमारा भी शो में कटवाते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है? अच्छा कटवाते हैं मुझसे कुछ ने, एक दो ने मुझसे कह दिया कि यार वो वाली बात कटवा देना, फिर मैंने उनको गाइड कर दिया कि मैं नहीं कर सकते। तो अच्छा टीबीएच कार्ड अगर कोई आर्टिस्ट कहता है तो फौरन काट देते हैं, मेरे कहने पे मेरी कोई चीज नहीं काटते। यार कोई लेवल है कि इससे ऊपर का आर्टिस्ट होगा वैल्यू का, नहीं, तो नहीं, जो, या, जो या इससे नीचे वालों को छोड़ दो ना सुनो, नहीं, 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 सब सब बराबर, सब बराबर।